हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय, और आज मैं आपके लिए एक बहुत खास प्रोजेक्ट का रिव्यू लेके आया हूं गाइस। ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें गुड़गांव में पहली बार बिल्डर आपको कवर्ड कार पार्किंग प्रोवाइड कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के रिव्यू के लिए मैं अभी खड़ा हूँ खेड़की दौला टोल, जिसको लोग मानेसा टोल भी बोलते हैं। पिछले हफ्ते हरियाणा के सीएम साहब श्री मनोहर लाल खट्टर ने ये अनाउंस किया है, अगले 6 से 8 महीनों में ये टोल यहाँ से 8 किलोमीटर आगे बिलासपुर में शिफ्ट हो जाएगा, जिसके की बाद आपका न्यू गुड़गांव का जितना भी एरिया है सेक्टर 81 से लेकर 95 का। तो गाइस, ये कौन सा प्रोजेक्ट है? ये प्रोजेक्ट है GLS बुक का एवेन्यू 81। गाइस, खेड़की दौला टोल से चल के अभी हम यहाँ पे सेक्टर 81 पहुंच चुके हैं। मैं आपको लोकेशन के बारे में पहले थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा। जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ से आपको NH8 तकरीबन 2 किलोमीटर है। हमारे प्रोजेक्ट की साइड यहाँ पे तकरीबन 500-700 मीटर अंदर है। मेरे राइट पे आप देख सकते हैं वाटिका की पूरी टाउनशिप है इंडिया नेक्स्ट, जिसमें 2015 से लोग रह रहे हैं। इसी रोड पे आगे जाके आप सफायर मॉल भी जा सकते हैं। इस एरिया का काफी डिलीवर अच्छा मॉल है। उससे अगर आप आगे देखते हैं, बोल सकते हैं यही रोड आगे है जो आपके द्वारका एक्सप्रेस वे गुड़गांव के आगे के सेक्टर्स की तरफ जा रही है। यहीं से आपका द्वारका एक्सप्रेस वे जब रास्ता निकलता है, टॉप रोड की आपकी यहीं से कनेक्टेड है। और अगर थोड़ा सा और आगे आप कैमरे को लेके जाएंगे तो पीछे आप देख सकते हैं पिरामिड ग्रुप का अर्बन होम्स प्रोजेक्ट, जो कि प्रदर्शन के लिए तैयार है। ये आपका सेक्टर 86 पे पड़ता है। और यहाँ आप देखेंगे यहीं पे आपका प्रोजेक्ट है माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग, इस प्रोजेक्ट का भी पोजीशन हो चुका है। सड़क के इस तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे बेस्टेक का भी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है सेक्टर 81 में। ओवरऑल अगर मैं लिवेबिलिटी इंडेक्स की बात करता हूँ तो ये मेरे को प्रोजेक्ट काफी अच्छा लगा, बिकॉज यहाँ पे पास में आपका सेंट जेवियर स्कूल भी है, इसी रोड पे आरवी हॉस्पिटल भी है। NH8 से कनेक्टिविटी डेफिनेटली हमेशा अच्छी होती है। एंड लाइक आई सेड, टोल हटने के बाद ये वाले सेक्टर आने वाले टाइम में काफी प्रीमियम सेक्टर होंगे। सो गाइस, वी हैव फाइनली रीच्ड द साइट ऑफ GLS एवेन्यू 81। इस प्रोजेक्ट की डिटेल देने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बिल्डर के क्रेडेंशियल्स के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि वैसे मैंने डिटेल में अपने पिछले एक वीडियो में, जो कि मैंने इनका साउथ एवेन्यू का वीडियो बनाया था, उसमें काफी डिटेल में बात की हुई है बिल्डर के बारे में। बट ओवरऑल अगर मैं आपसे मोटी मोटी 2-3 बातें बोलूं तो बिल्डर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है। इन्होंने टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हैं। प्रोजेक्ट के साथ साथ इनके जो लेआउट्स हैं सोसाइटी के अंदर, जो ये एमिनिटीज देते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी की देते हैं। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जिस पे कि आप अपने पैसे की सिक्योरिटी को लेके ट्रस्ट कर सकते हैं। बेसिक डिटेल्स की बात है, ये प्रोजेक्ट 5.6 एकड़ पे है, जिसमें 5 टावर्स बन रहे हैं, 820 अपार्टमेंट है, स्ट्रेट में पार्किंग होगी, उसके ऊपर आपके 20 या 22 फ्लोर होंगे, एक फ्लोर पे 8 अपार्टमेंट होंगे। 5.5 एकड़ में 5 टावर होने का मतलब है कि प्रोजेक्ट में आपको ओपन एरिया ज्यादा मिलेगा। तो जो भी बिल्डर एमिनिटीज प्रोवाइड करता है, अगर मैं GLS की खासकर बात करूं, उन्होंने अपने पिछले प्रोजेक्ट में क्लब हाउस भी दिया था, जो कि उम्मीद है कि यहाँ पे बिल्डर इस प्रोजेक्ट में भी आपको प्रोवाइड करेगा। तो एमिनिटीज के लिए, बच्चों के खेलने के लिए आपको ओपन एरिया यहाँ पे काफी मिलेगा। उसके साथ साथ जहां तक अपार्टमेंट्स की बात है, यहाँ पे 2 BHK प्लस स्टडी के 4 टाइप के अपार्टमेंट है। उसके अलावा यहाँ पे 2 BHK का एक टाइप का अपार्टमेंट है, जिसमें कि 202 फ्लैट आते हैं। अगर मैं लेआउट के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूँ अपना व्यू, तो मेरे को लगता है 2 BHK प्लस स्टडी, सबसे पहले तो ये जो कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा, बिकॉज बिल्डर आज की डेट में, इससे पहले ROF का प्रोजेक्ट आया था 93 में, जहाँ पे बिल्डर आपको 3 BHK दे रहा था। 3 BHK में गाइस क्या होता है ना, कि आपका एक तीसरा बेडरूम बनाने के चक्कर में आपके सारे के सारे बेडरूम, हॉल,
बाथरूम किचन सबका साइज कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अगर आप देखेंगे पेंडेमिक के बाद, जैसे कि आजकल बहुत लोग घर से काम कर रहे हैं, अगर आपके घर में बच्चे भी हैं तो बच्चों को भी स्टडी करने के लिए अपना अलग से जगह चाहिए होती है, तो इन्होंने 7x7 का एक अलग स्टडी एरिया बना के आपके बेडरूम के साइज़ को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आपके हॉल के साइज को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, आपकी किचन अच्छे साइज की दी है। तो मुझे लगता है आज के टाइम में अफोर्डेबल हाउसिंग में लोग चाहते हैं कि ना मेरे को रूम थोड़े अच्छे साइज के मिले, तो अगर तीसरा रूम थोड़ा छोटा भी है लेकिन तब भी एक एक्स्ट्रा रूम है, उसको चाहे आप स्टोरेज के लिए यूज करो या आप उसको पूजा रूम यूज करो, आप स्टडी रूम यूज करो, कैसे भी आप उसको यूज करो, तो मेरे को ये स्टडी एरिया का कॉन्सेप्ट पर्सनली काफी अच्छा लगा। और सारे लेआउट्स में मेरे को टाइप बी का लेआउट 2+ स्टडी का सबसे अच्छा लगा। उसके अलावा जो 2BHK का लेआउट है गाइज, वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। 13x10 का बेडरूम है, अच्छी बैल्कनी साइज है। तो ओवरऑल गाइज लेआउट आपका अच्छा है, कंस्ट्रक्शन पॉइंट भी बिल्डर की आप पहले जाके देख सकते हैं इनके सेक्टर 92 के प्रोजेक्ट में। तो ओवरऑल गाइज मैं इस प्रोजेक्ट को एमिनिटीज के हिसाब से और आपके प्रोजेक्ट की ओवरऑल फीचर्स के हिसाब से काफी अच्छा रेट करूंगा। सो गाइज अगर इस प्रोजेक्ट का मैं आपके लिए एक ओवरऑल रिव्यू करूं, तो मेरे को ये प्रोजेक्ट मोस्ट पैरामीटर्स में काफ़ी अच्छा लगा। लोकेशन भी अच्छी है, जैसे मैंने बताया NH8 के पास है, मेन सेक्टर रोड से भी ज़्यादा अंदर नहीं है, 60 मीटर प्लस 24 मीटर रोड है जहाँ से इस प्रोजेक्ट का एक्सेस है। उसके अलावा गाइज अगर मैं आपको बात करता हूँ जहाँ के लेआउट की बात है, मेरे को लेआउट भी अच्छे लगे, इनकी एमिनिटीज और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, GLS की क्रेडेंशियल, सारी चीज़ें प्रोजेक्ट की अच्छी है। बस एक दो चैलेंजेस मेरे को लगे, अगर वो मैं बहुत ज़्यादा अगर डीपली सोचूँ तो एक मेरे को चैलेंज ये लगा कि ये जो 60 मीटर सेक्टर रोड है जो यहाँ से आगे मानेसर तक कनेक्ट हो रही है, ये रोड आगे जाके थोड़ा सा रुक जाती है, आगे इसकी मानेसर से पूरी कनेक्टिविटी अभी रेडी नहीं हुई है। उसके अलावा 24 मीटर रोड जहाँ से इस प्रोजेक्ट का एक एक्सेस रहेगा, वो 24 मीटर रोड का भी अभी कोई आता पता नहीं है, क्योंकि पूरे गुड़गांव में अभी किसी सेक्टर में 24 मीटर रोड नहीं बनी है। पास में एक गाँव भी लगता है, लेकिन गाँव तो चलो ठीक है, वो उससे आपके घर में जो लोग रहते हैं उनको एमिनिटीज़ के लिए, सर्विसेज के लिए आपको वहाँ से स्टाफ वगैरह मिल जाता है। बट अगर आप मेरे से ओवरऑल पूछोगे गाइस, तो कोई मेजर चैलेंज मेरे को इस प्रोजेक्ट में नहीं लगा। और अगर आप 2BHK प्लस स्टडी देखेंगे, गुड़गांव में बहुत कम गवर्नमेंट ड्रॉ में आता है, तो ओवरऑल गाइस आई वुड लाइक टू गिव दिस प्रोजेक्ट अ रेटिंग ऑफ मे बी 8.5 or 9 out of 10। आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट यू कि आप आइए इस प्रोजेक्ट को विजिट करिए, इनके 92 के रेडी टू मूव प्रोजेक्ट में जाके इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखिए, तो आप भी इस प्रोजेक्ट को लेके उतने ही कन्विंस होंगे जितना कि मैं कन्विंस हूँ। इसी तरीके से गाइस आगे आने वाले टाइम में और प्रोजेक्ट्स के रिव्यूज को लेके मैं आपको दोबारा मिलूंगा विद अ स्पेशल फोकस ऑन न्यू गुड़गांव एंड द्वारका एक्सप्रेसवे। प्लीज मुझे सपोर्ट करिए, हमारी तरफ से बहुत टाइम, एनर्जी और एफर्ट लगता है इन वीडियोस को बनाने के लिए और आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन देने के लिए, हमें बहुत लोगों से बहुत सारी बातें सुननी भी पड़ती है। तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरीके से मेरे को सपोर्ट करें ताकि मैं आगे आने वाले टाइम में भी आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियोस बना पाऊं। सो सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू प्रोजेक्ट एट अ न्यू लोकेशन। बाय।